लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। हरे कृष्णा हरे राम, कर दिया ना सारा काम तमाम। अब ये अकाउंट फिर से कौन जोड़ेगा, तेरा बाप जोड़ेगा क्या? सब सब मेरी गलती नहीं, गलती नहीं है। इधर देखिए साहब, ये देखिए, जब से यूनियन के लीडर बन गए हैं तब से कैसे रास्ते में पैर फैला के सोए हुए हैं साहब। ओ बेवड़ा साला। साहब साहब, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। मेरा भारत महान, चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैनेजर बुला रहा है ना, यमदूत नहीं बुला रहा है ना? जा मैं आता हूँ, जा जा। मुझे बोला आपने? हाँ चिमनलाल जी, ये सब क्या है? क्या है मतलब? ये गुडविल कंपनी को इतना ज्यादा पैसा ओवरड्राफ्ट करके क्यों दिया गया है? वो देना पड़ता है, वो बैंक का गुडविल बनाने को देना पड़ता है वो। आप बैंक की गुडविल बना रहे हैं अपनी? आप मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करेंगे। अभी अभी उनको फोन कर दीजिए और कह दीजिए सारा रुपया सैटरडे से पहले बैंक में जमा कर दें। मैंने उसको 3 महीने का बोला हुआ है। ये आपका अपना पैसा नहीं है, बैंक का है, पब्लिक का है, आपका कोई हक नहीं है। ए, मेरा हक क्या होता है मुझे मत समझाइए, मैं अकाउंटेंट हूँ, कोई चपरासी नहीं हूँ। चिमनलाल जी, ये क्या आप काम पे शराब पी के आए? मेरे को डॉक्टर ने बोला था। चिमनलाल जी, अगर दोबारा आप शराब पी कर आए तो आपकी शिकायत मैं हायर अथॉरिटी से कर दूंगा। बद्री प्रसाद जी, जी सेफ की चाबी ले लीजिए इनसे। जब तक ये शराब पीकर काम पर आना बंद न कर दें, तब तक चाबी आपके पास रहेगी। जी। Now get out. चावी के लिए परेशान हो ना तुम, लेकिन मैं उस ताले के लिए परेशान हूं जो हम दोनों की किस्मत पर लगने वाला है। जिस दिन वर्मा को इस बात का पता चल जाएगा कि बैंक का 3 लाख रुपया तुम इस गिलास में उंडेल कर पी चुके हो और मैं ताश की गड्डियों में बैंक की कितनी गड्डियां हार चुका हूं, उस दिन हमारे नेताओं की तरह भाषण मत दे। कोई रास्ता हो तो बता। अरे रास्ता क्या बताऊं, मुझे तो जेल की कोठरी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरे की तरफ नहीं, उजाले की तरफ देखो, रास्ता अपने आप नजर आ जाएगा। ये विविध भारती से कौन बोला? जॉन बनेगा डॉन। तो बन जाने यार, कायकू बोर कर रहे हैं। क्योंकि तुम्हारी पतंग की डोर अब कटने वाली है। लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। हड़ हड़, इस मेहरबानी की वजह जॉन साहब, इस हाथ दे उस हाथ ले। ले ले।
कृष्ण हरे राम। इधर से गुजर रहे थे, सोचा भाभी जी से मिलते चलें। कौन है जी? भाभी जी मैं हूँ, आपका छोटा देवर, मेरा भारत महान। हरे कृष्ण हरे राम। अरे अरे बैठी रहिए भाभी जी, बैठी रहिए। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सुबह से कह रहा था कि जब तक मैनेजर साहब मुझे माफ नहीं करेंगे तब तक मैं भाभी जी के पैर नहीं छोड़ूंगा। हरगिज नहीं छोड़ूंगा, हरगिज। अजी इन्हें माफ कर भी दीजिए ना। अगर तुम कसम खाते हो कि तुम दोबारा शराब पीकर बैंक में नहीं आओगे तो मैं तुम्हें माफ किए देता हूँ। मैं भाभी जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं। अब तो उठ जाइए भाई साहब। अरे उठ जा भाई, मैनेजर साहब ने माफ कर दिया है। इधर आ जा और ये ले चाबी, ये जिम्मेदारी वाले काम से मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा भाभी जी, अच्छा मैनेजर साहब, हम चलते। अरे ऐसे कैसे जाएंगे भाई साहब, खाना तो खा के जाइए। अब इस वक्त कहाँ खाना खाएंगे भाभी जी। हाँ एक कप शराब मिल जाए तो। हरे कृष्णा हरे राम। एक कप चाय मिल जाए तो जरूर पियेंगे। मैं लाता हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? भाभी जी आप तो बैठे बैठे बोर हो जाती होंगी। हाँ। कल से मैं आपकी सेवा के लिए अपनी पत्नी को भेज दिया करूंगा। आप लोग अपनी चाय में शक्कर कितनी लगी? नहीं, हम दोनों को डायबिटीज है, बगैर शक्कर की ही चलेगी। हाँ चलेगी। भाभी जी हाँ? कितना प्यारा झूला है मुन्ने के लिए। मुन्ने राजा बजेगा बाजा। भाभी जी मेरा तो दिल करता है कि मैं खुद झूले में लेट जाऊं और झूलूं। और झूलूं। बद्री तू कभी झूला है? झूला 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 हूँ, झूला हूँ। अच्छा लेकिन अब हम दोनों साथ में झूलेंगे। चीयर। जॉन भाई आपने चाबियां मंगाई, हमने लाकर दे दी, अब आगे बताइए क्या करना है। अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है। अपने सारे पुराने पाप धुल गए। वाह क्या नोट छाप कर लाए थे, 25 लाख के जाली नोट बैंक के बाहर गए, किसी को शक भी नहीं हुआ। सोचता हूँ इन जाली नोटों से जनता के वोट खरीद कर पॉलिटिक्स में क्यों न कूद पड़ूं। मुझे भी साथ लेकर कूद पड़ना। साथ में भले ही न कूदूं लेकिन डूबूंगा जरूर साथ लेकर। आए चलो। लो ही आ गए। अरे खान तुम कब आए? 5 बजे से बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्यों कोई खास बात है क्या? वर्मा तुम्हारे बैंक से जाली नोट मार्केट में जा रहे हैं। क्या जाली नोट? और मेरे बैंक से एक आदमी FIR लिखवाने आया था। मेरा फर्ज तो ये कहता था कि FIR लिखता और सीधा तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डालता, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और हमारी दोस्ती बीच में आ गई। मतलब फौरन पता करो कि बैंक से जाली नोट कौन चलाता है, वरना वरना क्या करेंगे आप? मेरे पति को हथकड़ी पहनाएंगे? सीधा खान अपनी ड्यूटी कर रहा है, तुम फिक्र मत करो दोस्त, मैं एक हफ्ते में पता लगा ही लूंगा हमारे बैंक में गद्दार कौन है। ठीक है वर्मा मैं चलता हूं, भाभी तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। खान थैंक यू वेरी मच। सीता क्या क्या हुआ? सीता मुझे अस्पताल जल्दी ले चलो। संभल के ये रख लो भाई। Oh!
शक्लें आईने में देख के घबरा गए हो? वर्मा जी, ये कितना भी जुमले अपने पास रखिए, इससे हमारा पेट नहीं भरता। आप दोनों का पेट अब सिर्फ खेल की रोटियों से भरेगा और उसका इंतजाम भी मैं अभी किए देता हूं। लगता है इनको जुड़वा बच्चे हैं। जल्दी डॉक्टर को बुला के लेके आ। अरे भाई, आत्महत्या करने की कोई वजह तो होगी? ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, हत्या। उन लोगों ने मेरे पति को मार डाला। तमाम गवाहों के बयान से ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चिमन लाल और बद्री प्रसाद, जिन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने बैंक मैनेजर रामकिशन वर्मा का कत्ल किया है, बेगुनाह है। क्योंकि मकतूल रामकिशन वर्मा की हत्या नहीं की गई, बल्कि उसने आत्महत्या की है। इसलिए यह अदालत चिमनलाल और बद्री प्रसाद को बाइज्जत बरी करती है।
किशन, तू दर्शन नहीं करेगा? जानती हूँ तू यही कहेगा कि भगवान के दर्शन उसी दिन करूंगा जिस दिन मेरा भाई राम वापस आ जाएगा। ओम तमे माता पिता तमे तमे बंधु सगा तमे तमे। हत्यारे का कुछ पता चला जिसने किशन की बच्चों से उसकी मां छीन ली है? अभी तो नहीं पंडित जी, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा किशन उन्हें एक न एक दिन जरूर ढूंढ लेगा। बुरा मत मानिए बहन जी, आपने किशन को इंस्पेक्टर बनाकर गलती की है। अगर राम को पढ़ा लिखा कर इंस्पेक्टर बनाती तो अच्छा होता। कहां रहता है वो, आजकल दिखाई नहीं देता? राम के बारे में राम ही जाने, लगता है भगवान राम की तरह मेरे राम को भी बनवास हो गया। हमारे बेटे का नाम राम होगा। बिल्कुल नहीं, किशन होगा राम। अरे भाग्यवान, मत रखो उसका नाम राम। क्यों? वो इसलिए कि अगर उस बेचारे की किस्मत भगवान राम जैसी निकली तो 14 साल उसे जंगल में भटकना पड़ेगा। जी, कैसी अशुभ बातें मुंह से निकालते हो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे एक नहीं दो बेटे दे। एक का नाम राम रखूंगी और दूसरे का किशन। सैम, चला जा। यह है कालिया बस्ती, जुर्म की लंका। यहां इंसान कम और हैवान ज्यादा बसते हैं। दुनिया का ऐसा कौन सा काला धंधा है जो यहां नहीं होता? यह सब काले धंधे करने वाला सिर्फ एक ही शख्स है जिसका नाम है कालिया पठान। उसकी गिरफ्तारी का वारंट 3 महीने से मेरे टेबल पर पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक तो कोई ऑफिसर मेरे पास ये कहने नहीं आया कि सर यह वारंट मुझे दे दीजिए, मैं कालिया पठान को गिरफ्तार करता हूं। क्या हिंदुस्तान की माओ ने बहादुर बेटों को जन्म देना बंद कर दिया जो कालिया नाम की आंधी के मुंह में लगाम डाल सके? बैठ जाओ, जब बड़े बात कर रहे हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। मिस्टर शर्मा, आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, वो मैं इस नए ऑफिसर को जरा समझा रहा था। मिस्टर शर्मा, अगर इन्हें कुछ समझाना है तो समझाने के लिए मैं हूं। मेरी आंखों के सामने ऐसे कई ऑफिसर्स हैं जो इस अरेस्ट वारंट को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। सर, अब यह गलती कोई नहीं करेगा। What do you mean? इंस्पेक्टर जुबेर खान ने कालिया बस्ती में जाकर कालिया पठान को ललकारा था, लेकिन हुआ क्या, 5 दिन के बाद मिस्टर खान की लाश भाई खला के गटर में मिली थी। आपका मतलब यह है कि इंस्पेक्टर जुबेर खान की मौत के डर से हम राम के बजाय रावण के आगे सर झुकाना शुरू कर दें? नो मिस्टर शर्मा, नो। जिस दिन कालिया जैसे मुजरिमों का खौफ हम पुलिस वालों के दिलों पर हुकूमत करने लगेगा, उस दिन सिर्फ हमारी और आपकी ही नहीं, इस वर्दी की भी मौत हो जाएगी जो हम सब ने पहन रखी है। यादव जी। सर, ये कमिश्नर साहब हमको इंसान कम कुर्बानी का बकरा ज्यादा समझते हैं। नेताओं की तरह भाषण दे रहे थे। अरे हमारी माँ ने हमको क्या इसलिए पैदा किया है कि हम जाकर अपनी गर्दन कालिया पठान के सामने रख दें और कह दें लो भाई ये रही हमारी गर्दन, जैसे चाहो उड़ा दो है? अरे हाँ, कल मिसेस खान मिली थी, कह रही थी अभी तक पेंशन शुरू नहीं हुई, 3 महीने और लग जाएंगे, बहुत परेशान थी बेचारी। बताइए, ये हाल है इस मुल्क का। एक आदमी ने अपनी जान दे दी और 300 रुपए पेंशन देने के लिए 3 महीने लग जाएंगे। वो नए नए इंस्पेक्टर साहब आए ना, क्या नाम है उनका? कौन, जयकिशन जी? हाँ, जयकिशन जी। ये नए नए लौंडों को हो क्या गया है, सीनियर्स को कुछ समझते ही नहीं? वो कमिश्नर साहब हमसे पूछ रहे थे तो ये जयकिशन साहब सीना तान के खड़े हो गए जैसे राणा प्रताप। मैंने हाथ पकड़ के बिठा दिया, मैंने कहा बेटा
जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोला करते। जब बच्चे का पैर बाप के जूते में जाने लगे तो उसे बच्चा नहीं समझना चाहिए। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप नहीं बन जाता। मैं तुम्हारा सीनियर हूं और सीनियर ही रहूंगा। अगर आप एक ही क्लास में 10 साल फेल होते रहे तो आप सीनियर नहीं फेलियर कहलाएंगे। जयकिशन साहब ऐसे जुमले इंस्पेक्टर खान भी बोला करते थे, मगर क्या हुआ, मेरी मानो तो ये कालिया वगैरह को पकड़ने का इरादा छोड़ दो और माल कमाओ माल। आपकी तरह मैंने ये वर्दी माल कमाने के लिए नहीं पहनी। लगता है कमिश्नर साहब की कुर्बानी के बकरे तुम ही हो। कालिया पठान को पकड़ना इतना आसान नहीं है मिस्टर जेम्स बॉन्ड, मतलब जयकिशन। मैं कुत्तों के गले में पट्टा डालना अच्छी तरह से जानता हूँ। और बाय द वे, अगर मेरी लाश तुम्हें मिस्टर खान की तरह किसी गटर में मिले तो मेरी लाश को मेरी माँ तक पहुंचा देना, वो पुणे में रहती हैं, उनका पता ये है। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ जाता है, ये कालिया पठान की तरफ गया। नाम पता तेरा पूछ लिया मैंने, तुझको ढूंढ लिया। नाम पता तेरा पूछ लिया मैंने, तुझको ढूंढ लिया। मैं ही I'm
मुझको मेरे हवाले, कर दे मुझको मेरे हवाले, सोच रहा है क्या तू साले, कर दे मुझको मेरे हवाले, सब है बाकी सब कम तेरा, देख लिया जयकिशन साहब का ऑर्डर नहीं पता? ऑर्डर? कैसा ऑर्डर साहब? यही कि जब साहब किसी की धुलाई कर रहे हो तो फोन कोई नहीं उठाएगा। ऐसा क्यों साहब? बात यह है गणपत कि हम पुलिस वाले जब भी किसी मुजरिम को पकड़ के लाते हैं तो फौरन फोन आ जाता है कि जिस मुजरिम को पकड़ के लाए हो उसे छोड़ दो, वो किसी एमएलए साहब का साला होता है या एमपी साहब की बहन का बेटा होता है। इसीलिए शरीफ इंसान जब तक अपने नाजायज बापों का पता नहीं बता देता, तुम फोन को हाथ मत लगाना। समझ गया साहब। कबूल कबूल कबूल, मुझे सारे गुनाह कबूल है, मुझे सारे गुनाह कबूल है। यादव जी सर, कालिया पठान का बयान लिख लो। यस सर। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम। ये पुलिस स्टेशन है पुजारी जी, किसी मंदिर में जाइए। पुलिस स्टेशन भी तो इंसाफ का मंदिर ही है। आजादी से पहले हम लोगों ने गांधी जी के साथ मिलकर रामराज का सपना देखा था। तुम लोगों ने हमारी दी हुई वर्दी पहनकर रावण राज चला रखा है। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है, कालिया पठान को छोड़ दो। कालिया पठान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो अदालत में बदल देगा? तो अदालत से ही छुड़वा लीजिएगा। अच्छा, तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम एमएलए बद्री प्रसाद है। पिछली गवर्नमेंट का तख्ता मैंने अकेले ही पलटा था। सरकार से पगार ले और आराम से जिंदगी गुजार, कालिया पठान के लफड़े में पड़ेगा तो बेमौत मारा जाएगा। एमएलए बद्री प्रसाद, कालिया पठान की शलवार तो उतर गई है, कहीं तुम्हारी धोती ना उतर जाए। ना गड़ा रफिया,
जय किशन, मैं हरी किशन का भगत हूँ। ऐसी घंटी बजाऊंगा ना कि आगे से ऊं और पीछे से पू तक नहीं निकलेगी। जाओ जाओ, जाकर घंटी बजाओ कहीं। बाप का ना समझते लोग। जय किशन, तुम्हारी माँ को किडनैप कर लिया गया है। कह रहे हैं कालिया पठान को अगर एक घंटे के अंदर नहीं छोड़ा तो तुम्हारी माँ को जान से मार देंगे। फोन। हेलो, हमारे आदमी को छोड़ दो नहीं तो हम तुम्हारी माँ को मार डालेंगे। मार दीजिए मेरी माँ को, लेकिन मैं किसी भी सूरत पर कालिया पठान को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या किया तुमने? धरती माँ के लिए मैं अपनी माँ की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप तो ऐसे मरे जा रहे हैं जैसे कि वो मेरी नहीं आपकी माँ है। बाय द वे, वो मेरी माँ नहीं है, उन लोगों ने किसी गलत औरत को किडनैप किया है। मेरी माँ तो सुबह ही पुणे से पहुंची है। लेकिन उन लोगों को कैसे पता चल गया कि मेरी माँ पुणे में रहती है? बड़ी सीधी सी बात है साहब, जिस तरह आपने अपनी माँ का एड्रेस मुझे दिया था, हो सकता है किसी और को भी दिया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके खिसे से गिरकर वो एड्रेस सीधा उन लोगों के पास पहुंच गया हो। जरा अपने खिसे में देखना, पीछे तो नहीं? बिल्कुल नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप। ये देखिए, आपकी माँ का एड्रेस मेरी जेब में अभी तक मौजूद है। तो ये एड्रेस वहां तक कैसे पहुंच गया कालिया पठान आज और अभी बताएगा। राम सिंह, कालिया पठान को पिटारू में ले चलो। अब तू मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। चल चल। हट 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 जी, हमारे नाना जी कहा करते थे कि समय पड़ने पर तो गधे को भी अपना बाप कहना चाहिए। आज हम तुम्हें अपना बाप कहेंगे। परम पूज्य पिताजी, कालिया पठान को सही वक्त पर गोली मरवा के आपने जो अपनी अकल का परिचय दिया है वो काबिले तारीफ है। हम आपके पैर छुएंगे। नहीं नहीं सर, क्या कर रहे हैं आप? तू तो ऐसे पीछे हट रहा है जैसे मेरी पीठ पे बम बन रहा हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा नहीं लगता पैर छूना? नहीं छूता, लेकिन थप्पड़ तो मार सकता हूं ना जी। हाँ, थप्पड़। अब पूछ थप्पड़ क्यों मारा? पूछ क्यों मारा? क्यों क्यों मारा सर? इसलिए कि तूने पहले ही कालिया पठान को फोन करके क्यों नहीं बताया कि वो हराम इंस्पेक्टर उसको अरेस्ट करने जा रहा था। सर, उसने इतनी होशियारी से चाल चली। मेरा भारत महान करता है दुश्मनों के गुणगान। अब इस सरकारी दलाल हर महीने इस मंदिर से किस बात का प्रसाद लेकर जाता है? जी वो वर्दी तुझे जरूर सरकार ने दी होगी, लेकिन उसके नीचे जो इम्पोर्टेंट, क्या वो इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेड। हाँ, इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड विदेशी चड्डी जो मेरे पैसों की है। इसलिए सरकारी काम कम कर और मेरा काम ज्यादा। पूछ क्यों? क्यों क्यों सर? क्योंकि सरकार अगर तेरी वर्दी छीन भी लेगी तो भी मेरी चड्डी तुझे नंगा नहीं होने देगी, और अगर मिस्टिक से मैंने तेरी चड्डी उतार ली तो सड़कों पर छुपाता हुआ फिरेगा। अभी ज्यादा मत हंस वरना तेरी भी चड्डी उतार लूंगा। इस गुड़िया का क्या करें? अबे करना क्या है, छोड़ देना।
ये भारत माता थोड़ी है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान मेरे कदमों में गिरेगा। जा बुढ़िया जा, ऐश कर, जाके भजन कर जा। देखो शर्मा जी, आई नॉट लाइक योर वर्क ऑफ स्टाइल। स्टाइल ऑफ वर्किंग सर, यू टीच मी मी सॉरी सर सॉरी। देख बे शर्मा, इससे पहले कि मेरे भेजे का प्लास्टर टूटकर तेरे सर पे गिरे, फौरन जाकर पता करो कि इंस्पेक्टर का कमजोरी क्या है। एनिमी वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस। ओके ओके, गो ना, गो गो जी। मेरा भारत महान। चलो कमान, सैम को भी ले जाओ, सैम को ले जाओ। सैम कमान, कहीं कैसे आना हुआ? यूं ही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। अच्छा किया। क्या पियोगे, चाय कॉफी ठंडा? नहीं नहीं, फिलहाल तो एक गिलास ठंडा पानी। माँ माँ शर्मा जी आए, एक गिलास ठंडा पानी भेजना। लाए बेटा। जय किशन, कुछ पता चला ये कालिया किन लोगों के लिए काम करता था? अभी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। हाँ पानी। क्या बात है शर्मा जी, ये हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं हाथ तो नहीं कांपे, गिलास हाथ से छूट गया। लगता है आपने माँ को पहले कहीं देखा है। जी नहीं, मैं तो इनको पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा हाँ? पहली बार देखा है तो फिर इतना पसीना क्यों? पसीना कहाँ है पसीना? ये लीजिए, पसीना पहुंच लीजिए। नहीं नहीं मैं चलता हूँ। एक बात सुनते जाइए, जिस आदमी ने मेरी माँ को किडनैप किया था, मेरी माँ ने उसकी शक्ल तो नहीं देखी लेकिन आवाज जरूर पहचान ली है। जिस दिन वो पकड़ा गया बाकी भी बच नहीं पाएंगे। जी क्या बात है शर्मा जी, ये बद्री सुबह सुबह बौखलाया हुआ क्यों नजर आ रहा है? बात ये सर कि इंस्पेक्टर जयकिशन को शक हो गया है कि उसकी माँ को किडनैप कराने में मेरा हाथ है। तो अपने हाथ काट दो। है? नहीं समझे? हाँ? बुजुर्ग कहे गए हैं कि जब अपनी गर्दन फंदे में झूलती हुई नजर आए तो किसी दूसरे की गर्दन फंदे में डाल दो या वो फंदा काट दो। इसमें से कौन सा काम तुम्हारे लिए इजी है, मेरा मतलब आसान है? ये फंदा काटना तो बहुत मुश्किल है। तो फिर किसी दूसरे की गर्दन फंदे में डाल दो। मैं समझा नहीं। अरे भैया वो जो समझना है जल्दी समझ लो, वरना बॉस को खबर पड़ गई तुम्हारी तो। आप हर बार ये बॉस का नाम लेते हैं मगर आज तक मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी। किस्मत वाले हो भैया, जिस दिन शक्ल देख लोगे ना वो दिन पतलून गीली हो जाएगी। है? चिमन और मेरी पतलून तो कई बार गीली हो चुकी है। चुप कर यार। ये लो रुपये और काम हो जाना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ की तो तेरे बाल बच्चों की खैरियत नहीं, समझे? नमस्ते। कहां अंदर घुसी जा रही है? ये पुलिस स्टेशन है। तो मैं कहां कह रही हूँ कि ये भैंसों का तबेला है? कहां है तेरा साहब? अरे क्या बात है मुझे बता, छोटे मोटे केस तो मैं संभाल लेता हूँ। अगर तुम्हारी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है तो मुझे उसका नाम पता बताओ, अरे मैं उसकी इज्जत पर हाथ डालकर तुम्हारी इज्जत वापस ले आऊंगा। ए, तुझे हवालदार किसने बनाए रे? मेरी माँ ने। समझ गई। क्या समझ गई? यही कि तेरी माँ ने तुझे हवलदार किस लिए बनाया? किस लिए? ताकि तू पुलिस में भर्ती होकर सरकारी खर्च पर ये पता कर सके कि तेरा बाप कौन है। अरे क्या बकती है, अंदर कर दूंगा। ए, हाथ लगा के तो देख साले, ऐसा करंट मारूंगी कि तू वापस अपनी माँ के पेट में घुस जाएगा। ए लड़की, क्यों चिल्ला रही है? मैं ही नहीं सारा हिंदुस्तान चिल्ला रहा है कि गुंडा राज खत्म कर दो, मगर तुमको क्या? इधर उधर घूमे, 8 घंटे की ड्यूटी में 7 घंटे सोए, पगार लिए और चल दिए घर। कोई मरता है तो मरे, किसी की इज्जत लूटती है तो लूटे,
मैं पूछती हूँ कि सरकार तुम्हें किस बात के लिए तनख्वाह देती है? सरकार मुझे तनख्वाह देती है गुंडागर्दी खत्म करने के लिए और भोले भाले इंसानों पर हो रहे जुल्म को मिटाने के लिए। क्या ये बच्चे तुम्हें भोले भाले नहीं लगते? ये औरत चोरिया डाकू लगती है? बिल्कुल नहीं। अरे तो फिर इनकी जान की हिफाजत कौन करेगा? कौन है ये? लो पूरी रामायण खत्म हो गई और ये अब पूछ रहे कि रामचंद्र जी कौन थे? कौन थे? तेरे बाप। राधा, राधा कमली गोपाल। बापू बापू बापू। राधा के बापू, हमारा पेट भरने के लिए आपने ये क्या कर लिया? बापू हमें भूख लगेगी तो हम पानी पीकर सो जाएंगे। साहब मेरा पति निर्दोष है, हमारा पेट भरने के लिए इन्होंने दूसरे का पाप अपने सर ले लिया है। कौन है वो आदमी जिसने तुम्हें मजबूर किया यशवंत? साहब अगर मैंने जबान खोली तो वो मेरे बीवी बच्चों को मार डालेगा। बाप का राज है क्या? साहब मैं बताती हूँ, वो साला मुत्तू जात का कसाई है, जानवरों को तो काटता ही था, अब आदमियों को भी काटने लगा है। कहाँ रहता वो? बादशाह मंडी में। मुत्तू कसाई कहाँ रहता? मुत्तू कसाई। कौन है? मुत्तू कसाई कहाँ रहता? चल भाग। मुत्तू कसाई कहाँ रहता? मुत्तू ना, वो पुलिस वाला ढूंढ रहा तुमको। आने दे उसे। हाँ क्या चाहिए तेरे को? आधा किलो दे इसको। कौन है? मुत्तू कसाई का है। मुत्तू कसाई ऊपर है ऊपर, सब बकरे वही काटता है, तेरे को भी कटता है तो जा या ना।
गया? क्या हंगामा कर दिया तुमने? पूरे शहर में पब्लिक सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही है। इंस्पेक्टर है या तूफान, हवा की झोंकी की तरह आया, मुतु की हंडिया फोड़ी और आंधी की तरह चला गया। क्यों बे, अभी मुंडी झुका के क्यों बैठा है? अब दिखा दादागिरी, दो ही फटके में हवा पतली हो गई। अरे साहब, तुम्हारे जैसे कड़क अफसर दो चार और पैदा हो जाए तो पूरी बंबई का कल्याण हो जाए। तो फिर कल्याण का क्या होगा? क्यों, तेरा बाप कल्याण में रहता है क्या? चलो जाओ से। अरे साहब, मतलब की बात तो अभी तक हलक में अटकी हुई है, तो जल्दी बको। अरे अरे साहब ठहरो। अरे साहब, दिल की बात जबान पर लाते लाते लड़कियां जवानी से बुढ़ापे में पहुंच जाती है, और तुम चाहते हो मैं अपनी दिल की बात घर से बाहर निकाल दूं? जैसे कि इधर से अठन्नी डाली और उधर से आदमी का वजन बाहर निकला, टाइम लगता है, शर्म आती है ना? आपको भी शर्म आती है? ये घाघरा चोली वाली लड़कियां आपकी पतलून वाली लड़कियों से ज्यादा शर्मीली होती है। कहो तो शर्मा के दिखाऊं। शर्माओ ना। तुझसे तो मेरी माँ ना शर्माए। मैं क्यों शर्माऊं? चलो जाओ यहाँ से। दिल की बात कहे बगैर बिजली यहाँ से हिलने वाली नहीं। गणपत जी, इनकी जो रिपोर्ट लिख लो प्लीज। जी। ये दिल का मामला है साहब, इसकी रिपोर्ट साही से नहीं खून से लिखी जाती है, और वो भी कागज पे नहीं, दिल की किताब पे। ए, ये क्या आया? साहब के दो बच्चे हैं। अरे एक बार शादी कर ले तेरा साहब, पूरे दर्जन पैदा करके घर में ही पुलिस स्टेशन खोल दूंगी। चले वो तो क्या तेरा, चले यहाँ से निकल। नहीं जाऊंगी, बोलो क्या कर लोगे? अबे ये अगर सचमुच की मर्द हो तो अब ये हाथ कभी नहीं छोड़ना साहब। क्यों, करंट लगा क्या? साहब ये बिजली करंट वाली का हाथ है, झटका मारे तो दूर फेंक देती है और चिपक जाए तो कोई छुड़ा नहीं सकता, क्या समझे? मारती है करंट मारती है, देखो ये लड़की करंट मारती है। बैक मारती है करंट मारती है, देखो ये लड़की करंट मारती है। मारती है करंट मारती है।
गुस्से में करके बंद मारती है, देखो ये लड़की करंट मारती है, करंट मारती है, करंट मारती है, देखो ये लड़की करंट मारती है। शादी के लिए हेड ऑफिस में कर्ज के लिए दरखास्त दी थी लेकिन नामंजूर हो गई सर। बहन की बारात 3 दिन के बाद आएगी लेकिन रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया हूं सर। अगर बारात वापस लौट गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा सर। बैठो बैठो बैठो, हिम्मत मत हार, बैठो। राम सिंह जी, तुम्हारी बहन की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए? सर करीबन 20,000 रुपयों की जरूरत है। ये लो, इसे बैंक में ले जाओ और अपनी बहन की शादी की तैयारी करो। बहन जी। जी बिल बन गया, पैसे दे दिए, तो गहने पैक करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं अभी पता करती हूँ। सुनिए, आपको सेठ जी बुला रहे हैं। मुझे? क्या बात है सेठ जी? सोच रहा हूं जब पुलिस वाले जुर्म करना शुरू कर देंगे तो इस देश का क्या होगा। क्या मतलब? हवलदार साहब, ये जाली नोट किसी और दुकान पर जाकर चलाइए। जाली नोट? लेकिन ये रुपए तो मैं अभी अभी बैंक से लेकर आया हूं। तो फिर बैंक में ही जाकर पता कर लीजिए। ठीक है, तुम लोग यही रुको, मैं अभी आता हूं। पर कहां जा रहे भैया? बैंक। ये जाली नोट उनके मुंह पे मारने। क्या है ये जाली नोट जो तुम्हारे कैशियर ने मुझे दिए हैं? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कभी सुना है कि बैंक से जाली नोट मिलते हैं? कभी नहीं सुना था, लेकिन आज सुन भी लिया और देख भी लिया। तुम जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है,
पुलिस वाला तुम्हारे सामने खड़ा है, हवलदार राम सिंह। हवलदार साहब, यह सरकारी बैंक है, शराब का अड्डा या अफीम चरस की दुकान नहीं, जहां से आपको चाय पानी के लिए कुछ मिल जाए। सिर्फ चाय पानी ही नहीं, मैं आपको दाल रोटी भी खिलाऊंगा, और वो भी 7x12 की खोली में। अगर तुम पुलिस वाले हो तो मैं भी कायदे कानून से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मुझे अरेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास वारंट है? जाइए, पहले अरेस्ट वारंट लेकर आइए। जाता हूं, अरेस्ट वारंट के साथ साथ मैं तुम्हारे बाप को भी लेकर आऊंगा। सोच रहा हूं कि बॉस को बोल के, ओ बज गई घंटी, हरे कृष्ण हरे राम, मेरा भारत महान। मैं कमल बोल रहा हूं। कीचड़ से बोल रहा है? कीचड़ से नहीं, दलदल से बोल रहा हूं। क्यों, वहां भी बैंक खोल के रखी है क्या? बैंक खुली नहीं है, जो खुली है ना वो भी बंद होने वाली है। दामाद जी, मैंने बड़ों बड़ों की बंद कर दी है, मेरी कौन बंद करेगा? तुम सिर्फ वन लाइन स्टोरी बताओ। जॉन, जॉन बनेगा डॉन।
जरूरत नहीं है, पुलिस वाला तुम्हारे सामने खड़ा है, हवालदार राम सिंह। जॉन साहब ने एक झटके में हलाल कर दिया। जॉन साहब वाह, कमाल कर दिया आपने, आपका जवाब नहीं। चीयर्स जॉन साहब, चीयर्स। चीयर्स भाई जी। भाई जी साहब आप लो संभालो अपने इस कुत्ते को, आज तुम्हें ऐसे जेल की सलाखों के पीछे से गायब करवा लाया। अगर दोबारा ये इंस्पेक्टर जयकिशन की आंखों के सामने आ गया तो वो इसे गोली मार देगा। ए, गधा, आपको थैंक यू बोल और घुस जान। अरे राम, थैंक यू। डीडी का फोन आया था, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए बैंक से सारे जाली नोट हटा दो। दामाद जी जी, कल सुबह तक नोट बदल दीजिएगा। हाँ। साल पहले इसी तरह बैंक में जाली नोटों का धंधा करने वाले एक कैशियर और अकाउंटेंट थे, मेरे बाप का कत्ल करके राम सिंह की लाश की तरह रेलवे के पटरी पर डाल दिया था। उनकी जान बचाने के चक्कर में तू अपनी जान खो बैठेगा। बंदूक नीचे कर, इसको तब उठाना जब हमारा बाप आएगा। बॉस ये हैदराबादी फटका क्यों? इसलिए कि दीनदयाल भिखारी को राजा की कुर्सी पर बिठाना भी जानता है और गिराना भी, समझे? लेकिन मैं, मेरा कुसूर क्या है? कुसूर नंबर वन, तुम आंख बंद करके सोते हो। क्या जोक मारा बॉस, आदमी आंख बंद करके नहीं सोएगा तो कैसे सोएगा? इस धंधे में आदमी सोता भी है तो आंखें खोल कर, वरना पुलिस वाले आंखों की नींद कब चुरा लेंगे पता भी नहीं चलेगा चिमनलाल। अरे ऐसे कैसे चुरा लेंगे बॉस, हमको अनाड़ी है क्या? अगर अनाड़ी नहीं हो तो बैंक मैनेजर कैसे गिरफ्तार हो गया? चिमनलाल, अगर तुम ये चाहते हो कि हम तुमसे तुम्हारी जिंदगी न छीने तो बैंक मैनेजर के कोर्ट में बयान देने से पहले तुम्हें उसकी जिंदगी छीननी होगी। लेकिन बॉस वो मेरा दामाद है, मेरी बेटी का सुहाग है वो। तुम बेटी के सुहाग की बात कर रहे हो? मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी की जान ले ली, समझे? मैं समझ गया बॉस, मेरा दामाद अदालत तक नहीं पहुंचेगा। That's better.
हेलो पार्टनर, तुम्हारा क्या खबर है? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तुम इसी तरह अपने मुल्क में हिंदुस्तानी नोट छापते रहो और हमें भिजवाते रहो। हिजानास, तुम आ जा जाओ, तुम्हारा माल तैयार है। डोंट वरी, आई विल बी देयर। जॉन, जाली नोटों की डिलीवरी के लिए रात मैं हांगकांग जा रहा हूं। लेकिन इस बार तो आपका दामाद जाली नोट लाने वाला था। तुम फिक्र न करो, उसके बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं, मेरे नवासे। ये काम अब वही करेंगे। ये कुछ हमारे खिलाफ पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहा है? चुप करके बैठ। कल तुम खुद कोर्ट में रहना, अगर जरा सा भी खतरा नजर आए तो चिमन लाल के दामाद को गोली मार देना। कमाल कर दिया है, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। खोलो मेरे दामाद का मुंह। हेलो, कोई अपने जगह से हिलेगा नहीं, मगर हिला तो गोली अंदर और दम बाहर। अरे राम, तू? हाँ मैं, इंस्पेक्टर जयकिशन। देख लिया नमूना? अरे तू अकेला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख, हाथ मत लगा। मैं पहले आईजी से बात करता हूं, बाद में तुम लोगों के साथ चलूंगा। मैं खुद बात करवाता हूं। इंस्पेक्टर यादव स्पीकिंग। हाँ, मैं आईजी साहब से बात करना चाहता हूं। आईजी साहब से? मैं इंस्पेक्टर जयकिशन बोल रहा हूं। समझ गया सर। मैं आईजी खन्ना बोल रहा हूँ। आईजी साहब, मिनिस्टर चिमनलाल जी आपसे बात करना चाहेंगे। अच्छा, दो फोन उस चोर को। यस सर, लीजिए। मेरा भारत महान, क्या हो रहा है ये नेताओं का अपमान है? क्या हो रहा है ये सब? एक मामूली इंस्पेक्टर उठता है और सीधे मिनिस्टर को अरेस्ट करने चला आता है। चिमनलाल, अगर एक छोटी सी चींटी भी हाथी की सूंड में घुस जाए तो वो हाथी को नानी याद दिला देती है। इंस्पेक्टर जैक्सन भी तुम्हारी सूंड में घुस चुका है। भलाई इसी में है कि तुम अपने जूते सर पर रख के अपने आप हथकड़ी पहन कर सीधे पुलिस स्टेशन चले आओ। ये आप क्या मजाक कर रहे हैं सर? हमारे और आपके ताल्लुकात इतने सालों से हैं। सुनो चिमनलाल, मैंने इंस्पेक्टर जयकिशन से कह दिया है, अगर आप लोग खुद चल के पुलिस स्टेशन नहीं आए तो वो आप लोगों को बेधड़क गोली मार देगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। कमीना साला, वक्त में पलटी खाता है। आज तक साला कुत्ता बनकर हमारे सामने अपनी दुम हिलाता था। आज साला हमको कहता है कि अपने जूते सर पर रखकर पुलिस स्टेशन आ जाओ। अरे राम, तो रखो जूते अपने सर पर और चलो पुलिस स्टेशन। ए, ज्यादा सिकंदरी दिखाने की कोशिश मत कर, वरना झटके में वर्दी उतरवा दूंगा। तो मेरी वर्दी तो बाद में उतारेगा, मैं तेरा क्या क्या उतारता हूँ वो देख। अच्छा नहीं किया जय किशन, तुमने नहीं किया अच्छा। सोए हुए शेर को जगा दिया है तुमने। हमारे हाथ में हथकड़ी डालकर सड़क पर घुमाया नहीं, बल्कि हमारे जख्मों पर नमक रगड़ा है। नमक? तुमने बहुत इंसल्ट किया है हमारा, हम तुमको माफ नहीं करेगा। ये मिस्टेक का सजा देगा हम। मेरे पास इतने सबूत है तुम्हारे खिलाफ कि अगर तुम उल्टे लटक कर भी कोशिश करोगे
तो भी 20 साल तक जेल के सलाखों के पीछे ही सड़ोगे। अरे हम वो गुड नहीं जिसे तुम जैसे चीटे खा जाएं। हम तो छछुंदर है छछुंदर। अगर सांप के मुंह में भी फंस जाए ना तो वो ना निगल सकता है ना उगल सकता है। निगलेगा तो मर जाएगा, उगलेगा तो अंधा हो जाएगा साला। अच्छा बोल लेते हो, चल। गौरी कब आई ससुराल से? आज ही। ये है मेरे पति। हाय हाउ आर यू? हाय फाइन थैंक यू सर। चला बैठ। नहीं भैया हमें तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। अच्छा चला कम कम बैठ। क्या बात? एक बात कहूंगी ना तो नहीं कहोगे? पहले बात तो बताओ। पहले मेरी कसम खाओ। अच्छा बाबा तुम्हारी कसम। ये रुपए रख लो। देखो भैया तुमने मेरी कसम खाई है। अच्छा बाबा आपने वक्त पर गौरी की मदद की, हम आपके एहसान मंद हैं। अच्छा हम चलते हैं। हाँ चाय तो पीकर जाओ। गणपत भाभी कैसी? बहुत अच्छी। कब आ रही? कौन है आप लोग? हम सीबीआई ऑफिसर्स। इन दोनों ने कंप्लेन किया है कि आप इनसे रिश्वत मांग रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सर ये वही नोट हैं जिन पर हमने निशान लगाए थे। ये रुपए मुझे गौरी ने लौटाए हैं जो कर्ज के तौर पर मैंने गौरी की शादी के लिए दिए थे। तू क्या मेरा सगे वाला है जो मुझको कर्ज देगा? गौरी तुम कह रही हो? इंस्पेक्टर जयकिशन यू आर अंडर अरेस्ट। मेरा भारत महान। सिस्टर ने ले ली ब्रदर की जान। हरे कृष्णा हरे राम। क्या फायदा हुआ ईमानदारी का जूता चाट कर? जिस कानून के लिए तुम इतनी फौजदारी कर रहे थे उसने तुम्हारी मदद की। लेकिन हम तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे यहाँ से छूटेंगे सबसे पहले हम तुम्हें छुड़ाएंगे। सरकारी नौकरी चली जाएगी लेकिन हम तुम्हें नौकरी देंगे। हाँ अपने सर पे अपना जूता रखकर घूमने की जैसे हमें घुमाया था। ए, गुर गुर कर क्या देखता है भैया? तू कुछ नहीं कर सकता समझा? हरे कृष्णा हरे राम। देख देख कैसा देख रहा है। चलो तुम दोनों को कोर्ट चल रहे। एक तमीज से बात करो। ये एमएलए है हम मिनिस्टर है और अभी तक जुर्म साबित भी नहीं हुआ है और ना ही होगा। चलो चल। हम जा रहे हैं मुन्ना। लौट कर वापस भी नहीं आएंगे मुन्ने। ये लो इसे जपते रहना कहना हरे कृष्णा हरे राम। अच्छा चलो। मंत्री चिमनलाल और एमएलए बद्री प्रसाद को ये अदालत बेगुनाह मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। हम तो छूट गए जय किशन। लेकिन तू नहीं छूटेगा क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए अब या तो भगवान आए या नंदू। और भगवान आता नहीं है और नंदू को हम आने नहीं देंगे। मेरा भारत महान। हरे कृष्ण हरे राम। नंदू चली चली मेरी पटाखा तू कहाँ चली? लगे न ठोकर तुझे कहीं मेरा प्यार बिठा है गली गली। आजा 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 मुझे लगा इस रोग कोई दवा करो। मेरे पास थे सब लोग
पंछी पिंजरा तोड़ गया, दिल मेरा मुझको छोड़ गया। पंछी पिंजरा तोड़ गया, दिल मेरा मुझको छोड़ गया। जल्दी ना अगर दवा होगी मर जाएंगे दिल के रोगी। जल्दी ना अगर दवा होगी मर जाएंगे दिल के रोगी। अदालत इंस्पेक्टर जयकिशन को रिश्वत लेने के इल्जाम में। ठहरिए जज साहब। जज साले। ऑर्डर ऑर्डर। गलत फैसला मत सुनाइए जज साहब। फैसला गलत है या सही ये तुम कैसे जानती हो? मैं नहीं जानती, लेकिन ये आस्तीन का साहब जरूर जानता है और अभी आपको भी बताएगा। बोल साले। बताता हूँ जज साहब, बताता हूं। इंस्पेक्टर जयकिशन, तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। नंदू को हिरासत में लिया जाए और उस पर मुकदमा चलाया जाए। चले चल। थैंक यू बिजली साहब। साहब अरे यार बद्री, ये लड़की तो हमको चूना लगा के गई है। तो मैं क्या करूं, पान लगाऊं? ओह, ये लाइट कैसी ऑफ हो गई? ये जल्दी लाइट जलाओ। ए, कौन है तू? रावण के लिए राम और कंस के लिए किशन। इंस्पेक्टर जयकिशन, अंधेरे में भी अपनी मौत को पहचान लिया। अरे तुझे तो अंदर करवा दिया था, तू बाहर कैसे आ गया? जिस तरह नंदू अंदर हो गया है। क्यों, आगे से ऊं और पीछे से पू निकल गई? मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। ए, तू हमारे अड्डे पर आकर हमको ही धमकी दे रहा है? अड्डे तो रंडी और भड़वाओं के होते हैं, तुम कौन हो ये तो पता नहीं। हरे रामा हरे कृष्ण। या बद्र, हम लोग क्या है? इसके बाप हैं। अरे हम लोग तेरी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जयकिशन तो हमारे लिए मुसीबत बन गया। आप फिक्र मत करिए मंत्री जी, मैं साले जयकिशन का तो ऐसा इंतजाम करूंगा। करूंगा करूंगा, इसी करूंगा में मेरे भारत महान का सत्यानाश हो गया है। ओनली टॉकिंग, मी टॉकिंग, बद्री टॉकिंग एंड यू बी टॉकिंग। आईची नहीं, आईजी। हाँ भाई खन्ना, आईजी। लेकिन जो करना है वो करो, बोलो नहीं। क्या करना है और क्या नहीं करना, ये आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए।
जय किशन जैसे कई सरफिरे अफसर मेरी जिंदगी में आए और चले गए, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूं। जान से मार डालने की धमकी देने का मतलब यह नहीं कि जान से मार ही देगा। अरे मार ही दिया तो क्या कर लोगे? आप क्या समझते हैं, कानून नींद की गोली खाकर सो रहा है? कानून सो रहा है या जाग रहा है यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब से साला वो धमकी देकर गया है ना, मेरी नींद हराम करके गया है। एमएलए साहब, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ओहो हो, तो आप उनके बरसने का इंतजार कर रहे हैं कि वो बरस जाएं और हम टपक जाएं, उसके बाद आप हमारी लाश पर सलामी देने आएंगे। आज से इंस्पेक्टर जैक्सन जो भी कदम उठाएगा मेरी निगाह के दायरे में होगा। जानता हूं कि यह खून तुमने नहीं किया है, क्योंकि कत्ल की खबर मुझे 7 मिनट पहले टेलीफोन के जरिए मिल गई थी, और कोई भी कातिल कत्ल करने के बाद 7 मिनट तक लाश के पास बैठा नहीं रहता। लेकिन तुम हो कौन? मैं बताता हूं सर। ये मेरा भाई राम है। क्या तुम्हारा भाई? हाँ सर, ये मेरा जुड़ा भाई है। सारी दुनिया जानती थी कि मेरा एक भाई है, लेकिन किसी ने इसकी शक्ल नहीं देखी थी, क्योंकि हमेशा हमसे दूर रहा। तुम्हारा मतलब है कि इतने दिनों से मैं राम को इंस्पेक्टर जय किशन समझता रहा? यस सर। तुम्हारा भाई इतने दिनों तक कानून के साथ मजाक करता रहा और तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे। व्हाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी? सलाम ने मुझे कैद कर रखा था। एक दिन जब मैं मंदिर के बाहर मां का इंतजार कर रहा था, तो इसने मुझे क्लोरोफॉर्म सुनाकर बेहोश कर दिया। आने तक इसने मेरे जिस्म से वर्दी उतारकर खुद पहन ली और राम से इंस्पेक्टर जय किशन बन गया। लेकिन राम जानता था
कि माँ उसे देखते ही पहचान लेगी, क्योंकि हम दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, आंखों के रंग का। उसने बड़ी आसानी से आंखों का रंग भी बदल दिया। दुनिया के साथ साथ मां भी धोखा खा गई कि राम नहीं इंस्पेक्टर जयकिशन है। राम, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी की ताकि मैं किशन को पढ़ा लिखा कर इंस्पेक्टर बना सकूं, और ये हमारे बाप के कातिलों को फांसी के फंदे तक पहुंचा सके। लेकिन मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बाप के कातिल तो दूर रहे, उन्होंने भाभी का भी कत्ल कर दिया, और ये कुछ नहीं कर सका। इसलिए मैंने किशन से ये वर्दी छीन कर पहनी और 10 दिनों में वो कर दिखाया जो ये मेरा भाई 10 साल में नहीं कर पाया। और तुम खुद कहां पहुंच गए राम? जो फंदा तुम उनके गले में डालना चाहते थे वही फंदा उन्होंने तुम्हारे गले में डाल दिया है। अब तुम सिर्फ कानून के मुजरिम बनकर रह गए। कानून 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 आपका कानून और कर भी क्या सकता है? उसने हमेशा गुनहगारों को छोड़ा है और बेगुनाहों को जकड़ा है, क्योंकि ये अंधा जो है हमारा बाप मार दिया गया। मां अदालत के सामने चीखती रही चिल्लाती रही कि जज साहब यह आत्महत्या नहीं हत्या है, लेकिन लेकिन मेरी मां की आवाज आपके कानून के कानों तक नहीं पहुंची। जब तक मैं अपने पिता के हत्यारों की जान नहीं ले लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। राम, अब तुम कुछ नहीं करोगे। इंस्पेक्टर शर्मा का कत्ल करना और उसके बाद मुझे फोन पर इत्तला करना, यह सब तुम्हारे दुश्मनों की साजिश थी जिसमें तुम फंस चुके हो, क्योंकि जिस खंजर से इंस्पेक्टर शर्मा का कत्ल हुआ है उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान आ चुके हैं, और अब किसी भी हालत में तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। मैं बचाऊंगा अपने भाई को, वो निशान मैं मिटा दूंगा। तो खंजर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान आ जाएंगे। अब सिर्फ एक ही तरीका है, अगर मुजरिम चाल चल सकता है तो पुलिस वाले क्यों नहीं? आज से किशन वही करेगा जो राम चाहता है। राम, कुछ दिनों के लिए तुम उस अंधेरे में चले जाओ जहां तुमने किशन को रखा था, और किशन तुम फौरन अपने पुलिस स्टेशन पहुंचो और उन हरामजादों को यह पता चलाने दो कि किशन की उंगलियों के निशान कहां गायब हो गए। क्विक भाई, कपड़े। राम, चलो मेरे साथ। सर, शर्मा जी का कातिल फरार हो गया है, लेकिन उसकी उंगलियों के निशान मिल गए हैं। आई सी, वो आदमी भी मिल जाएगा जिसकी उंगलियों के निशान है। फॉरन इंस्पेक्टर माथुर से बात करवाओ। यस सर। इंस्पेक्टर माथुर हियर। आई जी खन्ना बोल रहा हूँ। यस सर। इंस्पेक्टर जैकसन कहाँ है? वो मेरी आंखों के सामने अपने पुलिस स्टेशन में गया है सर। व्हाट, ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। उसने तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर इंस्पेक्टर शर्मा का खून कर दिया है। अंदर जाकर देखो। इंस्पेक्टर जयकिशन कहाँ है? उस कमरे में। बुलाइयों ने बाहर। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है और किसी तरीके से खोलते ही नहीं। दरवाजा तोड़ दीजिए। आइए, दरवाजा खोलिए सर। जयकिशन साहब दरवाजा खोलिए। जयकिशन साहब दरवाजा खोलिए। सर दरवाजा खोलिए। तोड़ दो। Hi Sam. किशन, क्या हुआ सैम को? ये तो तुझे अपना दुश्मन समझता था। मैं इसे भी राम की याद आ रही होगी, इसलिए मुझे प्यार करके अपना दिल बहला रहा है। अगर तेरी निगाहें मेरी आंखों पर ना पड़ती माँ, तो तुझे भी ये लगता ना कि तेरा राम आ गया। हाँ बेटा,
आंखें तरस गई हैं उसे देखने को, और एक वो है कि दिल को पत्थर करके बैठा है, माँ को मिलने भी नहीं आता। अरे माँ, क्या फर्क है उसमें और मुझ में? सिर्फ आंखों का ही ना, हो सकता है वो नकली आंखें लगाकर यहाँ रहकर चला गया। मैं यूं ही मजाक कर रहा था माँ। चल, बड़ी भूख लगी है, बहुत दिनों से बच्चों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खाया, आज जी भर के खाऊंगा। ऐसे क्या देख रही माँ? देख रही हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर अपने काम की धुन में कितना खो गया है कि उसे इतना भी याद नहीं कि उसके बच्चे अपने नाना के साथ हांगकांग घूमने गए हैं। अरे मैं तो भूल गया माँ, आप मुन्नी और बिट्टू का? मुन्नी और बिट्टू कल आएंगे, मुझे अचानक वापस आना पड़ गया था। तुम फिक्र ना करो, समझदार बच्चे हैं, मैंने सारा इंतजाम कर दिया। अब मेहरबानी करके कल उन्हें एयरपोर्ट से ले आना, मेरी एक जरूरी मीटिंग। ओके। एयर इंडिया का हांगकांग से आने वाला विमान बॉम्बे पहुंच चुका है। इज इट हांगकांग फ्लाइट? थैंक्स। कृपया ध्यान दें, सिंगापुर जाने वाला विमान अटेंटिव उड़ान के लिए तैयार। अरे जयकिशन, तू यहाँ क्या कर रहा है? जैसे मैं मुन्नी और बिट्टू हांगकांग से आ रहा हूँ, लेने आया हूँ। तू कहाँ भागा जा रहा है? धन्यवाद। अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई आदमी करोड़ों रुपए के हिंदुस्तानी जाली नोट लेकर आ रहा है। सर, ये आपके बच्चे। इट्स ऑल राइट, बाय बाय। धन्यवाद। चल सावन, चलते। इतनी सारी शॉपिंग? ये बड़ा बैग हमारा थोड़ी है। किसका? ये जॉन अंकल को देना है। जॉन अंकल? कौन जॉन अंकल? आई एम जॉन, डीडी दीनदयाल का दोस्त। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। तुम्हारी जगह अगर मैं आईजी होता तो अब तक वो इंस्पेक्टर जयकिशन अंदर होता, और एक तुम हो जो अभी तक मंदिर में बैठकर घंटा बजा रहे हो। तो क्या करूं, जबरदस्ती उसे गोली मार दूं? गिरफ्तार करने के लिए कोई तो वजह होनी चाहिए। क्यों, शर्मा की लाश पर उसकी उंगलियों के निशान काफी नहीं है? शर्मा की लाश पर जयकिशन की उंगलियों के निशान नहीं है, किसी और आदमी की उंगलियों के निशान है। ये देखिए, ये दूसरा आदमी है कौन? यही तो समझ में नहीं आ रहा, और जयकिशन की उंगलियों के निशान कहां गायब हो गए? लगता है स्टोरी में ट्विस्ट है। हमारे चक्रव्यूह को वो लौंडा एक झटके में तोड़ गया। मुझे तो डर लग रहा है यार। चुप करके बैठ यार। क्या बैठ यार, मारी सोने से पहले ही छाता खोल के बैठ जाता है। अरे अच्छा खासा अंदर करवा दिया था साला, उस लौंडिया ने सारा खेल बिगाड़ दिया। आइडिया। आइडिया? कैसा आइडिया? मेरा भारत महान, करो उस लौंडिया का कल्याण। दुकान बंद, मकान बंद, कर्फ्यू लगाए क्या? कहाँ मर गए सब लोग? Yeah!
के पग घुंघरू बांध मीरा नाचे थे। दादी जी अमिताभ बच्चन का गाना आ रहा है। के पग घुंघरू बांध मीरा। पहले सब्जी तो काट लो। सब्जी बाद में भी काट सकती है, अमिताभ बच्चन बाद में नहीं आएगा। क्यों, अमिताभ बच्चन तेरा रिश्तेदार है क्या? वो मेरा हीरो है। एक विशेष सूचना। यह टीवी वाले सारी सूचना समाचार में क्यों नहीं देते? चलो बिट्टू बिनाका लगाएंगे, चलो। खबर मिली है कि जाली नोट चलाने वालों का एक आदमी पुलिस के हाथों से बच निकला है, लेकिन उसके पास से बरामद ब्रीफकेस से 50 लाख रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं। ये व्यक्ति जॉन है। ब्रीफकेस इसी के पास से बरामद हुआ। ये ब्रीफकेस इसे एयरपोर्ट पर किसी पैसेंजर ने दिया। पुलिस उस पैसेंजर की तलाश में है। पुलिस कमिश्नर शमशेर खान हियर। हेलो सर, मैं किशन बोल रहा हूँ। आज किशन बोलो, क्या बात है? सर, नकली नोटों के कारोबार करने वाले गैंग लीडर का पता चल गया सर। क्या, कौन है वो? सर, वो इंसान जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो फिर उसका नाम फौरन बताओ। वो कोई भी हो, हम उसे फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। आपको सबूत की जरूरत पड़ेगी सर, और मैं उसे जूतों के ठोकर पर उछालता आपके ऑफिस तक ले आऊंगा। आप मेरा इंतजार करिए सर। ओके। दीनदयाल, दीनदयाल, क्या बात है किशन बेटे, क्या कोई डरावना सपना देखा है? डरावना सपना नहीं देखा दीनदयाल, आज मैंने तेरे जैसे देशद्रोही का असली चेहरा देख लिया है। कम ऑन, गेट अप। आई सेड गेट अप यू ब्लडी स्मगलर। पर खुरदार, हम कुत्तों के भौंकने का बिल्कुल बुरा नहीं मानते। तेरे सामने कुत्ता नहीं, एक पुलिस अफसर खड़ा है। ये लो हड्डी, और दरवाजे पर जाकर बैठ जाओ। मालिक की रखवाली करते रहो, रोज हड्डी मिलती रहेगी। किसके हिस्से में हड्डी आएगी ये तुझे आज पता चलेगा। आराम सादे। इंस्पेक्टर जयकिशन, एक इज्जतदार शहरी के साथ ये सलूक किया जाता है? सर, आप इसे नहीं जानते। ये एक इज्जतदार शहरी नहीं बल्कि एक स्मगलर है। ये वो खुदगर्ज इंसान है जो खुद को दौलतमंद बनाने के लिए पूरे देश को गरीबी के कुएं में ढकेल रहा है। जानता हूं, तुम घर जाके आराम करो, ये केस मैं संभाल लूंगा। सर आप भी? आपको जितना संभालना था आप संभाल चुके हैं, मैं संभाल। यहां से जा पाओगे तो संभालोगे ना। कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारे तो मासूम बच्चे हैं ना, मेरे नवासे, वही तुम्हारे पैरों में बेड़ियां बन जाएंगे। मेरे बच्चे? हाँ हाँ भाई, तुम्हारे बच्चे। दीनदयाल के पास हर मर्ज का इलाज है। ये तस्वीर जरा देख लो, जाली नोटों से भरा हुआ ये बैग जब तुम्हारे बच्चे जॉन को दे रहे थे उस वक्त हमने ये फोटो ले ली थी। इस तस्वीर को देखकर तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हें भी गिरफ्तार करने में मुझे बिल्कुल देर नहीं लगेगी। एक तरफ ऐशो आराम की जिंदगी और दूसरी तरफ जेल की चक्की, बच्चों की तबाही। यू ब्लडी ब्लैकमेलर, तुझे पहचानने में सारा देर हो गई। ये तुम्हारी अपनी गलती है, और इस गलती की सजा यही है कि तुम अपना जमीर, दिल और दिमाग हमारे हवाले कर दो। जयकिशन, मैं कब से ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहां है वो हरामजादा? कौन सर? वही जाली नोट चलाने वालों का सरदार। किसकी बात कर रहे हैं आप सर? ओ डैमन इट, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके बारे में तुमने मुझे फोन किया था। मैंने आपको फोन किया? मैंने आपको कोई फोन नहीं किया सर। ओ कम ऑन जयकिशन, ये मजाक का वक्त नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि तुमने मुझे फोन नहीं किया। नहीं। तुमने तो मुझसे यह भी कहा था कि उस गैंग का लीडर कौन है, तुम्हें पता चल चुका है। बिल्कुल नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर लाइंग मिस्टर जयकिशन, यू आर लाइंग। तो
तुमने अपने आप को उस आदमी के हाथों बेच दिया है। अपनी ईमानदारी का सौदा किया है तुमने, अपनी इस वर्दी को नीलाम किया है तुमने। ये झूठ है सर। मैं कल भी ईमानदार था और आज भी ईमानदार हूं। गलत। कल तक मुझे विश्वास था कि तुम्हारे पिता की हत्या की गई थी, लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा बाप भी तुम्हारी तरह बेईमान था। उस बेईमान की छोरी पकड़ी ना जाए, इसीलिए उस कायर ने आत्महत्या कर ली। तुम्हारा ये गुस्सा इस बात का सबूत है जयकिशन कि तुम अभी तक बिके नहीं हो, लेकिन इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम्हें खरीदने की कोशिश की गई है, तुम्हें जान की धमकी दी गई है, तुम्हें, तुम्हारी मां को, तुम्हारे बच्चों को दांव पर लगाया गया है। सिर्फ एक बार उसका नाम बता दो, मैं उसे पागल कुत्ते की तरह घसीटता हुआ सीधा फांसी के तख्ते तक ले जाऊंगा। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यह मेरा वादा है। बोलो कौन है वो? मैं कह चुका हूं, मैं कुछ नहीं जानता। जयकिशन, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तुमने मुझे उसका नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। किशन? हाँ? मां अभी तक सोई नहीं? मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? कमिश्नर साहब क्या कह रहे थे? माँ, कमिश्नर साहब को धोखा हुआ है। मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? इनके सर पे हाथ रख के बोल कि तू ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहा है जिसके कारण इनकी जिंदगी पे आंच आए। मैं बच्चों के सर की कसम खाकर कहता हूँ माँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से इनकी जिंदगी पर कोई आंच भी आए। इंस्पेक्टर जयकिशन। बरखुरदार, हम तुम्हारे बाप बोल रहे हैं। बोलो। बोलो नहीं, बोलिए कहते हैं। हम देख रहे हैं कि तुम कुछ थोड़े से बदतमीज होते जा रहे हो। मतलब की बात करो, मेरे पास फालतू बात करने के लिए वक्त नहीं है। सुनो, अभी अपने पुलिस स्टेशन जाओ और नंदू को रिहा करवा के हमारे पास ले आओ। तुम्हारा दिमाग खराब है, पुलिस स्टेशन से किसी को छोड़ना बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। जानता हूं, इसीलिए यह काम तुम ही से कह रहा हूं, किसी नन्हे बच्चे से नहीं। और याद रहे, ये काम आज ही रात हो जाना चाहिए। जो भी होगा आज ही रात को होगा। ये लाइट को क्या हो गया? कमाल है। हैं? अरे कमाल है। अरे यादव साहब, यादव साहब, नंदू भाग गया, नंदू भाग गया ना तुमसे। हेलो सेठ जी, मैं नंदू बोल रहा हूं। आपके कबूतर ने तो कमाल कर दिया, मुझे पिंजड़े के साथ ही ले उड़ा। अच्छा, जरा फोन उस कबूतर को देना। जी सेठ जी। बरखुरदार, अगर तुम इसी तरह हमारा साथ देते रहे तो देखना हम थोड़े ही दिनों में तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देते हैं। मुझे कहीं भी पहुंचाने में तुम्हें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें मिटाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सांप की तरह टेढ़ा चलने की कोशिश मत करो। डीडी का मतलब है डेडली डेंजरस। डेंजरस तो इस वक्त मैं तुम्हारे लिए हूं। तुम्हें बारूद के ढेर में आग लगाने का बहुत शौक है ना, तो लो सुन लो ये धमाका। You bastard! ये दो ब्रांच ऑफिस था। अब देखना मैं तुम्हारे हेड ऑफिस को कैसे उड़ाता हूं। Kill that bastard!
सीधे पुलिस स्टेशन चल, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगी। ए लड़के, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अच्छा, बिजली से ए लड़की हो गई? दाल में कुछ काला है, ये तो मैं उसी वक्त समझ गई थी जब तू बस्ती में मुझे झटक कर चला गया था। लेकिन आज तेरी काली करतूतों को भी मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। तू इस वर्दी की आड़ में जो खेल खेल रहा है वो मैं तुझे नहीं खेलने दूंगी। जो तुम समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं राम नहीं किशन हूँ, तुम्हारे साहब का हमशक्ल भाई। क्या? पूछती रही, प्यार का एक हल्का सा झोंका आया जिंदगी में, वो भी तुमसे देखा नहीं गया। अगर ये इंस्पेक्टर मेरे साहब का भाई है तो फिर मेरा साहब कहाँ है? भगवान कहाँ है? ये बटन मेरे भाई राम तक पहुंचा देना। तुम्हारा भाई कहाँ है साहब? बोलो साहब, मेरा राम कहाँ है? कमिश्नर साहब जानते हैं, उसे कहना। क्या कह रहे हैं साहब? बोलो साहब, क्या कह रहे हैं? ये बटन किसका है? बोलो साहब, जी बोलो साहब, जी ये बटन किसका है? तीन
अगर तुमने अपना भाई खोया है तो मैंने भी अपना एक बहादुर अफसर खोया है, लेकिन सिर्फ आंसू बहाने से ही नुकसान पूरा होने वाला नहीं है। सबसे पहले हमें उस खूनी दरिंदे का शिकार करना है जिसकी गर्दन पे किशन ने अपने कानूनी पंजे काढ़े थे। कौन है वो दरिंदा सर? जो कोई भी है अपना ही है, कोई गैर नहीं। वार किशन की पीठ पर किया गया है और पीठ पर वार सिर्फ दोस्त ही कर सकता है, दुश्मन नहीं। किशन को पता चल गया कि गुनाहगार कौन है, लेकिन दुश्मन किशन से कहीं ज्यादा चालाक निकला। उसने एक चक्रव्यूह बनाया और अभिमन्यु को मार डाला, लेकिन उसे यह पता नहीं कि हमारा अर्जुन अभी तक जिंदा है। राम, अब तुम इस चक्रव्यूह को तोड़ोगे, लेकिन अर्जुन बनकर नहीं, अभिमन्यु बनकर। मैं समझा नहीं। यह बात सिर्फ हमें मालूम है कि किशन जिंदा नहीं रहा, लेकिन दुनिया को हम यह बताएंगे कि किशन को जान से मारने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन वो जिंदा बच गया। हमें कैसे पता चलेगा कि दोस्तों की भीड़ में वो दुश्मन कौन है? ये बटन तुम्हें उस दुश्मन तक पहुंचाएगा। क्या हुआ राम? इस तरह का बटन मैंने पहले कहीं देखा है। तो फिर याद करो, कौन है वो आदमी जो ये बटन इस्तेमाल कर सकता है? हो सकता है या तो वो ये जानता है कि किशन का हत्यारा कौन है, या वो खुद किशन का हत्यारा है। दीनदयाल, ऐसे बटन तो दीनदयाल जी अपने कोट में पहनते। कौन दीनदयाल? किशन के ससुर। कहीं दीनदयाल ही वो शख्स तो नहीं है जिसे किशन बेनकाब करने वाला था? क्या बात कर रहे हैं सर, दीनदयाल जी तो एक नेक इंसान है और वो इतने नहीं कर सकते कि अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ दें। ये कलयुग है राम, यहां लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी की जान ले लेते हैं, और तुम तो दामाद की बात कर रहे हो। एनीवे, सबसे पहले हम यह खबर कि किशन जिंदा है दीनदयाल तक पहुंचाएंगे। अगर दीनदयाल के हाथ किशन के खून से रंगे हैं तो वो हमारे सामने हरगिज नहीं आएगा, कोई ना कोई बहाना करेगा। फिर हमारा शक यकीन में बदल जाएगा कि दीनदयाल ही वो शख्स है, और हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। एक बात याद रखिए सर, मेरी मां को नहीं पता चलना चाहिए कि किशन जिंदा नहीं रहा। स्टुपिड सनिल्ला, आ गए हमारी लिखी हुई कहानी हम ही को सुनाने। थैंक यू। वेलकम कमिश्नर, वेलकम। फरमाइए, क्या खुशखबरी लाए हैं आप? खुशखबरी नहीं है दीनदयाल जी, बल्कि एक बहुत ही बुरी खबर लाया हूं। क्या हुआ? इंस्पेक्टर जयकिशन। क्या हुआ जयकिशन को? कल रात उसे कुछ लोगों ने जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन लेकिन क्या? वो बच गया। थैंक गॉड। कहां है मेरा किशन? पुलिस स्प्रिट हॉस्पिटल। जॉन से कहना कि हमारा काम अधूरा रह गया है। कौन सा काम सर? दीनदयाल के लिए काम करते हो और उसकी आंखों का इशारा भी नहीं समझते। सॉरी सर। कहना कि उसका एग्रीमेंट कैंसिल कर दो। राइट सर। Thank you.
साहब, जयकिशन साहब बच जाएंगे ना? हमारी यही कोशिश रहेगी। बोल किसे भेज देगा? बोल वरना गर्दन तरसा कर दूंगा। मारने की कोशिश की गई लेकिन कामयाब नहीं हुए। एक मर गया, दूसरा भाग गया। उसका वजीर सामने पड़ा है, आप मारते क्यों नहीं? अगर हमने उसके वजीर को मार दिया तो वो हमारा बादशाह खा जाएगा। आपकी नजर काफी तेज है, हर चाल को पहचान लेते हैं। सिर्फ इंस्पेक्टर जयकिशन की चाल को छोड़कर। जयकिशन की चाल? कौन सी चाल? जिस आदमी को हमने अपने हाथों से गोली मारी थी उसने हमें पहचाना क्यों नहीं, अपनी जबान क्यों नहीं खोली? आपने उसकी जबान पर ताला जो लगा रखा है इस तस्वीर से। तस्वीर को तकदीर समझकर उसने घुटने नहीं टेके बल्कि जंग का ऐलान कर दिया। नंदू को मारकर, हमारे गोदाम को आग लगाकर, जॉन बैंकों में जितने भी हमारे जाली नोट हैं उन्हें वापस मंगवा लो। कुछ दिनों के लिए यह धंधा बंद कर दो। दीदी, डिजाइनर्स के पूछे बगैर कोई भी काम मत करना वरना पछताना होगा। दीदी का दूसरा नाम लॉयन है, अगर जोर से दहाड़ दिया तो। What? तुमने मुझको मारा, His Highness के आदमी को। I kill you. If you want to shoot, shoot. Don't talk. दादी जी, दादी जी। आ गए? चलो बेटा हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वो तो हम लोग रोज ही करते हैं। आपकी तो हर बात मानते हैं। इसीलिए तो दादी इतना प्यार करती है तुमको। मगर आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? आपको एक नाटक लिखना होगा। कैसा नाटक? हमारे स्कूल में फंक्शन है उसके लिए। हाँ बेटा, नाटक तो नहीं लेकिन एक हकीकत जरूर लिखूंगी। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ सीता देवी, आप अपना बयान जारी रखिए। चिमनलाल और बद्री प्रसाद ये दोनों ही मेरे पति के कातिल हैं। मेरी आंखों के सामने इन्होंने मेरे पति का खून किया और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इन्होंने मेरे पति की लाश रेल की पटरी पर रख दी। जज साहब, आप इन दोनों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दीजिए। पधारिए। मेरा भारत महान, हरे कृष्ण हरे राम। ये नाटक देखते हुए थोड़ी देर के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि कहीं ये लड़की हमें तो नहीं कह रही है कि हम कातिल हैं। मैं ये कह रहा था कि हम दोनों ने किसी का कत्ल नहीं किया है, हम खूनी नहीं है, हम तो नेता हैं इस देश के। तुम खूनी हो। माँ? हाँ बेटा, ये खूनी है। तुम दोनों ने मेरे पति का खून किया। बेटा, हा? ये ही है वो दोनों
जिन्होंने मुझे विधवा और तुझे यतीम बनाया। अरे अरे ये क्या हो रहा है? किशन की मौत से जो सदमा तुम्हारे दिल को पहुंचा है उसे भूल जाओ। जो आंसू तुम्हारी आंख से टपके हैं उन्हें शोलों में बदल दो। जो वर्दी तुमने अपने भाई से छीनकर पहनी थी ताकि तुम अपने बाप के कातिल तक पहुंच सको, उन्हें मिटा सको, आज वही वर्दी मैं तुम्हें दे रहा हूं। एक बार फिर राम से किशन बन जाओ, पहन लो वो वर्दी। अगर वर्दी देनी है तो मुझे वो वर्दी दीजिए जिस पर खून के एक एक कतरे से मेरे भाई की मौत की कहानी लिखी है। मेरा भारत महा, मंत्रियों का भी होने लगा अपमान। तू चुप करके बैठे यार, जल्दी फाटक खोल। जब तक हमारे साहब का हुक्म नहीं होता हम फाटक नहीं खोलेंगे। अरे हम मंत्री हैं, मंत्री खोल। तो हम भी संतरी हैं, संतरी, किसी के बाप के नौकर नहीं। क्या तेरे साहब को बुला। हवलदार। यस सर। आ गया काल चक्र। ये क्या है? वर्दी धोता नहीं है, धुलाई के पैसे नहीं मिलते हैं क्या? मिलते हैं तो, मगर मैं धुलाई बगैर पैसे के करता हूँ। कहो तो करके दिखाऊं। माने तो हमारी धुलाई करेगा। मैं वर्दी की बात कर रहा था। तो फिर धो नहीं इसे। खून ही खून के दाग को साफ करेगा। किसका खून? तुम दोनों का। हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। छोड़ी से, जब से आया तब से जुम कर रहा है। छोड़। अरे रामा, अरे अगर मुझे पहले से पता होता कि तू इतना डरपोक है तो मैं तुझे अपनी पार्टी में कभी शामिल नहीं करता। तुम नहीं लेते तो क्या होता है? मैं मर जाता। हिंदुस्तान में पार्टियों की क्या कमी है क्या? अरे राम। बद्री जी, अब सारी रात शराब ही पीते रहोगे? आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। वो सलाम मुझे मार डालेगा। मैं आईजी हूँ, कोई मामूली इंस्पेक्टर नहीं। लेकिन उसने मारी दिया तो तुम क्या कर लोगे? उससे पहले मैं उसे गोली मार दूंगा। गोली? अच्छा चलो तो फिर चलते हैं। गुड नाइट चिमन। शुभ रात्रि। गुड नाइट हरे कृष्णा। आइए चलो। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। क्या बदतमीजी है? इस तरह हमारी गाड़ी रोकने का मतलब क्या है? I'm sorry sir, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आपकी गाड़ी में बद्री प्रसाद जाली नोट छुपा कर ले जा रहा है। जाली नोट और मेरी कार में? जी सर। ये झूठ बोल रहा है, जरूर इसमें इसकी कोई चाल है। You shut up। अगर ये बात झूठ निकली तो मैं अभी इसी वक्त ये वर्दी उतार दूंगा। ठीक है, तुम गाड़ी की तलाशी ले सकते हो। ये नोट मैंने नहीं रखे, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये सब इस हरामजादे की चाल है मुझे फंसाने के लिए। लड़ी बास्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत? तूने मुझे मारा, बद्री प्रसाद को मारा। अरे अभी तो थप्पड़ मारा है, ज्यादा बकवास की तो जान से मार डालूंगा। बद्री प्रसाद पर उठने वाला हाथ बद्री प्रसाद धड़ से अलग कर देता है। ये गलत कर रहे हो तुम बद्री प्रसाद। चुप्पे सही के औलाद, तूने क्या सोचा है? जाली नोट इसके गाड़ी में रखकर फंसा देगा मुझे। देखो बद्री, अभी तो तुम्हें 2-4 साल की सजा होगी, लेकिन कत्ल के इल्जाम में जिंदगी भर चक्की पीसनी पड़ेगी। अरे तू क्या चक्की पिसाएगा मुझे?
परसों पहले तेरे बाप को निकल गया था, क्या कर सका तू और तेरा कानून। मैं तुम दोनों को भी उड़ा दूंगा। या तो गोली मत चलाना। आईजी खन्ना जी तो चाहता है कि तुम्हें गोली मार दे। तो मार दीजिए ना, आप ही ने तो कहा था शूट शो डोंट टॉक। इसलिए कि लोग कहेंगे कि अब लॉयन चूहों का शिकार करने लगा है। आपकी बात में भी पॉइंट है, लेकिन वो जयकिशन को कैसे रोका जाए? अगर आप मेरी बात माने तो चुप, बिल्कुल बीच में मत बोलना। तेरे आइडिया पर चल के मेरा बद्री परलोक सिधार गया, अब तू मेरा भी प्रोग्राम कराने वाला है क्या? बॉस अपने दामाद को रोकिए, मुझे तो लगता है बिना का गीतमाला की अगली पायदान पर मेरा ही गीत बजाने वाला है। वो मेरा दामाद नहीं है। वो आपका दामाद नहीं है? नो। तो फिर कौन है? वो जो भी है, he is a smart boy, लेकिन डीडी से ज्यादा नहीं। कल हमारा जन्मदिन है, सारे हिंदुस्तान के बैंक मैनेजर्स को बुलाया है, उस इंस्पेक्टर को भी बुलाया जाए। जॉन, इस बार शतरंज की बाजी तुम बिछाओगे और ये आखिरी बाजी हम खुद उसके साथ खेलेंगे। हाँ भाई हाँ, बर्थडे जन्मदिन। अरे मेरा जन्मदिन नहीं, मेरा जन्मदिन कभी मेरे बाप ने नहीं मनाया, मैं क्या मनाऊंगा? और सब कुछ टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। हाँ आजा मेरी जान, आजा आजा। क्या हुआ आप? हम लुई बोलता है। लुई साहब कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? नहीं ठीक नहीं है, हमारा गवर्नमेंट ने तुम्हारा करेंसी पकड़ लिया। गई भैंस पानी में, लेकिन हम बच गया। क्या फायदा, डीडी मार डालेगा। क्या बकवास करता है तुम? नहीं नहीं एक काम करो, तुम भागकर हिंदुस्तान आ जाओ, हम आज ही आता है। लगता है इसकी मौत भी इसे खींच कर यहाँ ला रही है। तेरी मौत तेरे पीछे खड़ी है। क्या बोलती है कमीनी, वो भी मर्द की आवाज में है? मेरा नंबर लग गया। ठीक है बद्री, मैं आ रहा हूँ। जय किशन भाई, बिना का गीत माला में मेरा ही गीत बजेगा क्या? पच्चीस साल पहले तूने मेरे बाप का खून पानी में बहाया था, लेकिन मैं तेरा गंदा खून इस पानी में बहाकर इसे गंदा नहीं करूंगा, तेरे ही जिस्म में से सुखा दूंगा। ऐसे नाश्ता दो। बाबा नाश्ता दो। किशन बेटे चलो नाश्ता लग गया। आया माँ। किशन किशन वो, वो, किशन पापा साहब, पापा साहब, पापा साहब, पापा साहब। बेटे चल गया। कहाँ है? चल गया बेटा। हाँ चल गया। वो देख कहाँ है साबा? ये या राम? राम कहाँ है? राम किशन कहाँ है? तेरे सामने तो हूँ माँ। तू किशन नहीं राम है।
मैं राम नहीं किशन हूँ। तेरी आंखें धोखा खा रही है माँ। मेरी आंखें छोड़, अपनी आंखें देख। मेरी आंखें? राम रुक जा, राम रुक जा, राम राम बता, राम किशन कहाँ है? मैं नहीं जानता माँ। अगर तू नहीं जानता तो तुझे राम से किशन बनने की क्या जरूरत थी? जवाब दे, बता। मैं नहीं जानता माँ। चाचा हमारे पापा हैं। बोलो ना चाचा हमारे पापा कहाँ हैं? क्या पापा भी मम्मी के पास चले गए? बोलो ना चाचा, बोलो ना चाचा, बोलो ना चाचा, बोलो ना चाचा, बोलो, बोलो ना चाचा, चाचा दरवाजा खोलो ना, बोलो ना दरवाजा, बताओ ना हमारे पापा कहाँ हैं? क्यों तुम्हारे पापा वापस नहीं आएंगे? बोलो ना चाचा हमारे पापा कहाँ हैं? बोलो ना, बताओ ना चाचा, बोलो ना। राम मैं कहती हूँ दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। किशन कहाँ है? जिस दिन मुझे पता चलेगा किशन को हमसे किसने छीना है, किशन का कातिल कौन है और उस बटन का मालिक कौन है, मां जिंदगी में आज पहली बार मैंने झूठी कसम खाई है, वो भी इसलिए कि मैं सच्चाई को सामने ला सकूं। जिस आदमी की मुझे तलाश थी वो आदमी मुझे मिल गया। जाली नोटों का व्यापार करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेठ दीनदयाल है, वो आदमी जो अपना गुनाह छुपाने के लिए अपनी नवासों की जिंदगी से खेल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है कि मेरी बीवी और मेरे पिता का हत्यारा वही है। मां आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। Hello, Mr. Louis. Welcome to India. Welcome to India. What welcome? तुम इधर आराम से बैठा है, उधर हमारा गवर्नमेंट ने तुम्हारा करेंसी पकड़ लिया। Don't worry, my dear. करेंसी तो फिर भी छप जाएगी और डीडी कभी कोई ऐसा धंधा नहीं करता कि जिसमें नुकसान हो। अरे आज हमारा जन्मदिन है और किसी का मरण दिन,
Let us celebrate it. Come on. Here it is. Cheers, Louis. Cheers. सवालों का जवाब लेने आया हूँ। मौत का फरिश्ता ही
लगूं मैं साथ आपको मैं साथ आपको मैं जनाब लेने आया हूँ सारे सवालों का जवाब लेने आया हूँ मौत का फरिश्ता हिसाब लेने आया हूँ सारे सवालों का जवाब लेने आया हूँ फरिश्ता हिसाब लेने आया हूँ सारे सवालों का जवाब लेने आया हूँ नहीं तो हम इसके हेड को डेट कर देगा अपने अपने आदमी को बोलो ड्रॉप द गन ड्रॉप द गन इंस्पेक्टर आई सेड ड्रॉप द गन तुमने सुना नहीं मैंने कहा पिस्तौल फेंक दो ब्लडी फूल अगर गोली मुझे लग जाती तो इस धरती पे बोझ कम हो जाता यू बास्टर्ड चुप बैठ दलाल वेल डन माय बॉय वेल डन जिस तरह शतरंज का अच्छा खिलाड़ी बादशाह को बचाने के लिए प्यादों की कुर्बानी देता है इसी तरह हमने अपने आप को बचाने के लिए इन प्यादों को मरवा दिया लेकिन तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगे डीडी को मारने के लिए तुम एक छोटा सा तमंचा लाए हो जिसके कारतूस भी खत्म हो गए अरे बरखुरदार इन खिलौनों से तो हम उस वक्त खेला करते थे जब इन बच्चों की उम्र के थे समझे चाचा ओ आई सी थैंक यू माई ग्रैंड चिल्ड्रन थैंक यू जिस उलझन ने हमें इतने दिनों से परेशान कर रखा था उसे तुमने दो मिनट में सॉल्व कर दिया तो गया तुम किशन नहीं राम हो मैं किशन हूं या राम दोनों ही सूरत में तेरी मौत हूं मौत के कदमों में आवाज नहीं होती बरखुरदार अगर यकीन नहीं आता है तो नमूना देख लो लैंग्वेज प्लीज लैंग्वेज यू डर्टी डॉग जॉन बनेगा डॉन जॉन राम किशन वर्मा के आखिरी चिराग के बुझने का वक्त आ गया है तुम इसकी मौत से खेलो और हम इनकी जिंदगी से खेलते हैं अरे सांबा तेरी तो you
बस करो जॉन, बस करो। इस दिए का तेल तो अब खत्म होने लगा है। तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए था ना? हाँ, तुम्हारे भाई किशन को मैंने ही अपने रास्ते से हटाया था। तू नाना नहीं, कुत्ता है। मामूली कुत्ता नहीं मुन्नी, बुलडॉग। क्योंकि तुम्हारी माँ की जान भी मैंने ही ली थी। चाचा, भला ही हम मर जाए मगर इस कुत्ते को नहीं छोड़ना। अगर जरा सा चाकू और खींच लिया ना तो चाचा से पहले तुम ऊपर पहुंच जाओगे। यहाँ तुम्हारे दादा राम किशन वर्मा को हमने पहुंचाया। जॉन, इस मौत के फरिश्ते को उसके पिता के पास पहुंचा दो। चलो उधर। तेरी तो चल। ए देखता क्या है, फटाफट चल चल। जश्न में आए थे साले। गिरफ्तार कर लो इन सबको। दादी 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 दादी। वेल डन जयराम, वेल डन। थैंक्स सर। तो बैक मारती है, परंट मारती है, देखो ये लड़की कर।